नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। उरी हमले पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से उरी हमले को लेकर मुलाकात की है। राष्ट्रपति के साथ फिलहाल प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को हमले की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। सेना ने कहा कि सही जगह और सही वक्त पर जवाब दिया जाएगा। उरी अटैक पर पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिले हैं। और इस पूरी मुलाकात पर हमारे सहयोगी रविंद्र जैन की नजर है। रविंद्र, इस पूरी रविंद्र कुमार का रुख करते हैं। रविंद्र कुमार, इस पूरी मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को ब्रीफ किए हैं कि उरी हमला कैसे हुआ और उसके बाद सैनिकों ने किस तरह से रिटेलिएट किया और आतंकवादियों को मारा गया, उसके बाद भारत सरकार की क्या रणनीति है, क्या करने जा रही है, क्योंकि ये कूटनीति बड़ी कूटनीतिक पहल होगी। इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को भी भरोसे में लेना है, राष्ट्रपति को जानकारी भी देना है, क्योंकि उनसे सलाह भी सरकार लेगी, प्रधानमंत्री खुद उनसे सलाह भी लेगा कि ऐसे हालात में क्या करना है, कूटनीतिक स्तर पर भी, और एलओसी और एलओसी के पार किस तरह से जाना भी है या नहीं जाना है। इन सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से चर्चा की और जो आज बैठक हुई थी, उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, उसमें लिए गए फैसले की जानकारी भी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने दी है। जी, तो इस वक्त हाई लेवल मीटिंग चल रही है। मेरे सहयोगी संतोष का भी रुख कर लेते हैं। संतोष, बैठकों का दौर जारी है, दिन में हाई लेवल मीटिंग और अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात। सरकार ने तय कर लिया कि इस बार एकदम सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए, ये तो देखना होगा कि सख्त एक्शन सरकार लेती है कि आगे क्या क्या रणनीति होती है, लेकिन यहाँ काफ़ी अहम ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जो देश में स्थिति अभी बनी है, देश में जो लोगों का की अगर आप देखें भावनाएं जो हैं वो काफ़ी आहत हुई हैं। उरी में जो आतंकवादी हमला हुआ है उससे पूरे देश भर में लोगों में रोष है और इस रोष के साथ साथ आर्मी में भी इसको लेकर काफ़ी नाराजगी है। तो ऐसे में सरकार ने जो मीटिंग बुलाई, सबसे पहले हाई लेवल की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद फिर अब पूरी स्थिति से अवगत कराने के लिए राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। अब ये देखना होगा, क्योंकि काफ़ी रणनीति अभी आगे भी देखना होगा। यूएन में पाकिस्तान, क्योंकि इस मामले को जम्मू एंड कश्मीर के मामले को उठाने वाला है, तो ऐसे में इस स्थिति के इसके बारे में भी राष्ट्रपति से सलाह मशविरा काफ़ी ज़रूरी था और प्रधानमंत्री ने इसी को लेकर पूरी स्थिति से अवगत कराने को लेकर ये मीटिंग राष्ट्रपति के साथ की। जी जी, संतोष आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा जी हमारे साथ है। कमर जी, आपका बहुत स्वागत है। उरी अटैक के बाद इस बार जो इस तरह से बैठकों का दौर जारी है और अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ मुलाकात, यही मायने निकाला जाए कि इस बार सरकार वाकई बहुत ज्यादा गंभीर और टफ एक्शन की तैयारी में है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बहुत ही गंभीर है। देखिए, वो उरी में जो आर्मी बेस पे अटैक किया गया है, इसके मतलब ये है कि भारत के ऊपर अटैक, और उसकी वजह से जैसा अभी करेस्पॉन्डेंट बता रहे थे आपके कि बहुत आक्रोश है लोगों पे, सेकेंड टाइम दूसरी बार हुआ है और इसमें लगभग 17 जवानों की शहादत हुई है। एक फिर उसके अलावा पहले भी टेंशन चल ही रहा था कि जो कश्मीर के हालात थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट जो है वो जो होता है वो कमांडर इन चीफ भी है सेना का, तो उसको इसलिए भी अब बताना जरूरी होता है, क्योंकि अटैक जो था, सैनिक मरे हैं और आर्मी हेडक्वार्टर था वहाँ पे, उसके ऊपर हुआ है, तो इस वजह से भी उनको बताना जरूरी है। और दूसरी बात ये कि अगर कॉन्फिडेंस में लेना तो जरूरी होता है, अगर कोई भी बड़ा स्टेप उठाना है मोदी जी को, उसमें प्रेसिडेंट की हमी होना बहुत जरूरी है, बगैर उसके नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक मैसेज भी आम जनता के बीच में जिनको और सख्त मैसेज इस बार देने की सख्त जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा जी हमसे बात करने के लिए और संतोष पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। मीटिंग अभी जारी है, अपडेट आपको देते रहेंगे आगे। वैसे उरी में हुए आतंकी हमले के बाद अब सेना का सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है। आतंकियों के पास से 4 AK-47 बरामद किए गए हैं। उधर उरी हमले के बाद सरकार अब पाकिस्तान के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी भी करने जा रही है। 7 RCR में हुई मीटिंग में तय हुआ है कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कराने की कोशिश की जाए और सुषमा स्वराज खुद इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाएंगी। इसके साथ LOC के पास बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा सकता है। शुरुआती जांच में हमले में पाकिस्तानी एंगल के पुख्ता सबूत मिले हैं। आतंकियों के पास से मिले पाकिस्तानी हथियार, GPS डेटा और पश्तो भाषा में लिखे नोट्स बताते हैं कि दहशतगर्द सीमा पार से ही आए थे।
भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामने सबूत रख सकता है। इतना ही नहीं, 8 और 9 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में अब पीएम मोदी के शामिल होने पर भी संदेह है। Which was being carried out by the Indian Army in the area of Uri. The operation has been called off after its completion this evening. After carrying out a detailed and thorough search of the entire area, it is after we got the confirmation that the complete area in and around the military complex at Uri has been cleared of all blind bombs, grenades and any other wrong things that the operation was finally called off. उरी आतंकी हमले के बाद देश भर से कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने कहा कि कार्रवाई होगी, लेकिन भावनाओं से नहीं रणनीति से काम लेना होगा। घटना पर कांग्रेस ने भी गहरा दुख जताया, वहीं देश की मशहूर हस्तियां भी अब पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही हैं। हम सब भावना में बह जाते हैं, किसी भी चीज को करने के लिए ठंडे दिमाग से सोची सोच समझ कर रणनीति के तहत काम करना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला उसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ होगा। मैं समझता हूँ भारत के 125-130 करोड़ जनसंख्या में एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसका इससे सहमति नहीं है, इस मत से कि चाहे मिलिट्री कारण मिलिट्री तौर तरीकों से, चाहे डिप्लोमेटिक तौर तरीकों से, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक, चाहे अंतर्राष्ट्रीय, चाहे सीधे चाहे परोक्ष रूप से, वो सब चीज़ें अति आवश्यक है भारत को करने के लिए, जिससे भविष्य में पाकिस्तान एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच बार नहीं, 10 बार सोचे ऐसे कोई कारनामों को प्रोत्साहित करने से। देश में अहिंसा को जितना गौरव हमने दिया है उतना ही वीरत्व को भी गौरव देना होगा, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुद्ध की और युद्ध की दोनों की साथ साथ बात करनी होगी, और अब मात्र बयान देने से काम नहीं होगा। हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, ये बड़े दुख की बात है। बिना किसी वजह के, बिना किसी प्रोवोकेशन के उनको शहीद होना पड़ रहा है, इससे हम सब बहुत दुखी हैं और नाराज भी, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाएगी। उरी में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश गुस्से में, 18 जवानों की शहादत से नाराज लोग हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पाक पीएम का पुतला जलाया। पंजाब के लुधियाना और चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू में वकीलों ने उरी आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी के फिरोजाबाद में स्कूली बच्चों ने उरी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। बच्चे के जन्म से पहले ये पता करना और मुश्किल हो गया कि वो बेटा है या फिर बेटी। हालांकि मौजूदा कानूनों के तहत डॉक्टर्स और अल्ट्रासाउंड संचालक ये नहीं बता सकते कि गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद कुछ ऐसे तरीके थे जिससे लोग इसका पता लगा लिया करते थे। लेकिन अब ये काम इंटरनेट पर भी संभव नहीं होगा। गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन पर लिंग परीक्षण संबंधी विज्ञापन और जानकारी अब नहीं दिखेंगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इन तीनों कंपनियों ने गर्भ में लिंग जांच से जुड़ी सारी सूचनाओं को ऑटो ब्लॉक करने का नया तरीका अपना लिया है। इन्होंने कोर्ट को बताया कि सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट से जुड़े 22 प्रमुख कीवर्ड की पहचान की गई है, और कोई भी शख्स वेबसाइट पर ये शब्द टाइप अगर करेगा तो उसे इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। ये भी बताएं कि लिंग जांच संबंधी विज्ञापनों के खिलाफ याचिका दायर करने वाले डॉक्टर साबू जॉर्ज ने ये कीवर्ड सुझाए थे। मेरे सहयोगी दिनेश से बात करते हैं। दिनेश, बड़ी बड़ी कंपनीज की यहां पर बात हो रही है, क्योंकि अस्पतालों में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है लिंग परीक्षण की जांच करना, लेकिन आखिरकार इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे कर लिया करती थी?
जी बिल्कुल स्वाति, सेक्स डिटर्मिनेशन एक बहुत पुराना और बहुत सीरियस इशू हमेशा से भारत के लिए रहा है, जहां पहले से ही इसके ऊपर पाबंदी सरकार ने ज़रूर लगाई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप घर बैठे ही किसी भी विषय पर आप जितनी मर्जी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और ऐसा ही कुछ इस विषय के लिए भी हो रहा था। घर बैठे काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स चाह रहे थे सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर नॉलेज गेन करना चाह रहे थे और वहाँ तक पहुँचना चाह रहे थे जहाँ से उनको अपने बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन वो करा पाएँ। इसी चक्कर में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू ने ये स्टेप लिया है, जिसपे 22 ऐसे कीवर्ड्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जिनको हमेशा सर्च किया जाता था, और उन 22 कीवर्ड्स को अब इन्होंने ब्लॉक कर दिया। इसके साथ ही इन्होंने एक ऑटो ब्लॉक फीचर भी ऐड किया है, जिसका मतलब कि अगर आप कुछ भी इस विषय के से रिलेटेड कुछ भी आप टाइप करते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो इसकी साइट ऑटोमेटिकली इसको ब्लॉक कर देगी। जी, किसी भी तरीके से अब आप लिंक परीक्षण नहीं कर सकते हैं, अस्पतालों में ये ऑलरेडी बैंड है, लेकिन कुछ जो साइट है उसके जरिए पता लगाने का तरीका जो निकाला गया था वो भी अब पूरी तरह से बैन हो चुका है। बहुत शुक्रिया दिनेश हमसे बातचीत करने के लिए।